बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डबल कंसोनेंट ही। कल भी हमने डबल कंसोनेंट किया था, आज भी डबल कंसोनेंट करना है। ठीक है जी, कल हमने जो डबल कंसोनेंट किया था वो किया था पल सीरीज के लिए, आज करेंगे पार सीरीज के लिए, पी एंड आर सीरीज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पल और पर में क्या फ़र्क है, कि जहाँ पर कल हर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एल का इजाफा हो रहा था, यहाँ पर आर का इजाफा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद आर बोले, यानी कि बोलने का मतलब होता है कि आपको आर की आवाज़ आ रही है फ़ौरन बाद स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद, तो आर पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि आर के लिए स्ट्रेट स्ट्रोक के शुरू में बाईं जानब एक छोटी हुक बनाए गे, याद रहे के ये हुक लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में। जो हमारे पास यहाँ स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं डबल कंसोनेंट करने के लिए वो हैं पी बी टी डी जे जे एंड के एंड के। तो यहाँ पर के एंड के जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो इनका दायां या बायां नहीं होता, इनका ऊपर या नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे कि के और गे की पर हुक नीचे बनाए गे। आपने क्या करना है, जो पर हुक है के और गे की, यानी कि के होता है इस तरह, गे होता है इस तरह, तो कर बनाएंगे इस तरह और गर बनाएंगे इस तरह, यानी के आगे आ जाएगा तो कर बन जाएगा, गे के आगे आ जाएगा तो गर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। फिर से एक बार रिपीट करूँगा, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद आर बोले तो आर पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि आर के लिए स्ट्रेट स्ट्रोक के शुरू में बाएं जानेब एक छोटी हुक बनाएंगे, याद रहे कि ये हुक लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में हैं, के और गे की पर हुक नीचे बनाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसकी करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास वो है प्रे, तो प्रे क्या चीज है, यहाँ पर आवाज आ रही है पर की, तो हम क्या करेंगे पी के शुरू में बाएं जाने पे एक हुक बनाएंगे, तो ये बन जाएगा प्रे। वावल है ए वाला, जब भी ए वाले वावल की आवाज आएगी तो स्ट्रोक लिखेंगे ऑन द लाइन, तो पर आ जाएगा ऑन द लाइन, ये पर आ जाएगा ऑन द लाइन, ये बन जाएगा प्रे। इसी तरह वर्ड है ब्रेक, अब ब्रेक क्या चीज है, ये बर ए वाला वावल है देन के आर है, तो ये ब्रे एंड के साथ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा ब्रेक। तो हुक कहाँ बनाई है हमने, लेफ्ट साइड पे बनाई है। इसी तरह वर्ड आ सकता है ट्रिप,
अब ट्रिप क्या चीज़ है, यहाँ पर ट्री और इज वाला वॉवल और पी है, तो ट्री यानी कि टार थ्रू द लाइन चल जाएगा, पी की साइज मतलब ख्याल रखेंगे, स्ट्रोक दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पर लाइट डैश लगा देंगे, ठीक है। ये ट्री पर आ गया, वर्ड है हमारे पास ड्रीम, डी आर ई ए एम। अब ड्रीम क्या चीज़ है, ये ड्री और एम यहाँ पर डर बोल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डर को लिखेंगे थ्रू द लाइन, ये बन जाएगा ड्री, साथ एम को जोड़ देंगे बन जाएगा ड्रीम, दूसरी स्ट्रोक है बिफोर में थर्ड प्लेस पर एम डॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा, बैठ जाओ अभी मैं करवा देता हूँ ड्रीम। इसी तरह वर्ड आ सकता है हमारे पास मैनेजर, अब मैनेजर क्या चीज़ है, मैं ने और जर, अब जर जो है जे, इस तरह होता है जर के, जे के शुरू में हुक बना देंगे तो ये जर बन जाएगा, तो इस तरह हम मैनेजर लिखेंगे, तो मैं ने और यहाँ पर हम जर बना देंगे, ये बन जाएगा मैनेजर, ठीक है जी। इसी तरह लफ्ज़ आएगा हमारे पास प्रोग्राम, प्रोग्राम, अब प्रोग्राम क्या चीज़ है, ये है प्रो, आगे बाद फिर घर की आ रही है तो यहाँ से घर जोड़ देंगे, ग्रह और एम जोड़ देंगे साथ, तो ही बन जाएगा प्रोग्राम, ठीक है जी। तो ये कुछ डबल कंसोनेंट्स के वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं, और इसके लिए आपने आ जाना पेज नंबर 72 पर, ये पेज नंबर 72 आपने न्यू कोर्स के आ जाना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर जो लिंक लिखा हुआ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा डबल कंसोनेंट पर सीरीज, यहाँ आर के लिए जो हमने हुक लगानी है, ठीक है जी। यहाँ पे वर्ड प्रे है, प्रेस है, प्राइस है, पर्पज है, प्रेज्यूम है, प्रेजेंट है, अप्रैल है, ब्रेक है, ब्रांच है, ब्रिज है, ब्रिंग है, ब्राइट है, ब्रॉक है, ठीक है। तो ये आपने सारे वर्ड्स एंड तक अक्टूबर तक कर लेने पेज नंबर 73 तक, ठीक है। इसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई नजर आएंगी, डॉक्टर, डियर, ड्यूरिंग, ट्रुथ एंड देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, प्रिंसिपल, लिबर्टी, मेंबर, रिमेंबर, चेयर और चेयर एंड केयर, ये आपने वर्ड्स कर लेने हैं। और इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर करनी है 66, एक्सरसाइज नंबर करनी है 66। ये आज आपका काम है, अगर आपको कुछ समय ना लगा तो आप इसे दोबारा पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।